माननीय नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय कल अब आसन को डायरेक्शन मत करिए। अध्यक्ष महोदय आप सदन के संरक्षक हैं, सदन की गरिमा बरकरार रहे। महोदय कोई भी सदन के अंदर वैसे असंसदीय शब्द या उस तरह का वक्तव्य जिससे सदन को कहीं न कहीं शर्मसार होना पड़ता है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो वक्तव्य कल दिए हैं उनके सत्ता पक्ष के महिलाएं भी सर को झांपे हुए पूरी महिला का अपमान किए हैं। महिलाओं का ये मां जानकी की धरती है महोदय, ये शक्ति की भूमि को लज्जित किए हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो मेंटल हो चुके हैं महोदय, एक मेंटल मुख्यमंत्री बिहार का कुर्सी नहीं संभाल सकता। और उप मुख्यमंत्री कहता है कि सेक्स नहीं, आप अब स्थान ग्रहण तो माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग नेता प्रतिपक्ष जो कहे हैं नहीं आप महोदय ऐसे ऐसे भेजवाते हैं ये क्या महोदय, ये देख लीजिए जरा तमाशा। नहीं नहीं पूछ जाइए। नेता प्रतिपक्ष ये शोभा नहीं देता। माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय हाँ बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री कल जन्म दर नियंत्रित करने के संबंध में कुछ बात कह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री ने अभी सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर उसमें कोई ऐसी बात हो गई है जिससे महिलाओं के अपमान या उनके भावना पर किसी तरह की ठेस पहुंची है तो मुख्यमंत्री ने उस वक्तव्य को वापस ले लिया है, उसके लिए खेद प्रकट किया है। और हम आसन से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आप भी प्रोसीडिंग देख लीजिए, अगर कोई उसमें और संसदीय शब्द है तो आप बाहर कर दीजिए। मुख्यमंत्री ने तो खेद प्रकट कर दिया है, आ ये बोले और आ जाए बीच में, हम बोले आ जाए बीच में, ये कौन तरीका है? नेता नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष यह शोभा नहीं देता है। और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं खेद प्रकट किया है और मैं दिखलवा लूंगा ये प्रोसीडिंग, उसमें अगर असंसदीय भाषा का प्रयोग होगा तो उसको नियमानुसार मैं उसमें से हटा देने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने अपने स्थान पर जाएं, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप तमाम जाए, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बुलाइए इन लोगों को, आप सदन से आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं। आपने सवाल उठाया है, सरकार अगर खड़ी है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के आपत्ति है तो कृपा करके बैठ जाइए और मैं सफाई दे देता हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये अरे भाई हम माफी मांगने को तैयार है, बैठिएगा तब ना। बैठिए, हो गया, आप बैठिए, जगह लीजिए, जगह लीजिए, आप अपना स्थान कर आप बुलाइए ना। आप क्या आप इसीलिए ना उठाए हैं कि मुख्यमंत्री कुछ कहे हैं? आप उन लोगों को बुलाइए। ये कौन सा तरीका है कि नेता प्रतिपक्ष बोले तो सब लोग बैठ जाए, ये बोले तो सब बैठ जाए और सदन नेता बोले तो एक तमाशा देख लीजिए। यही तरीके में विश्वास है। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। लगता है कि लोकतंत्र में
आप लोगों को इत्मीनान और विश्वास नहीं है। आप अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बात रखना चाहते हैं, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष से मैं चाहूंगा कि आप स्थान ग्रहण करावे। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं जिस सवाल को आपने उठाया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो वक्तव्य दिए और उप मुख्यमंत्री सेक्स ज्ञान बांट रही है, बिहार को शर्मसार किया है। ये मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है या दस्त भी कमजोर हो गया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार के अंदर सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। बिहार को शर्मसार और जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के महिलाओं का माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको अधिकार नहीं है माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का, आपको अधिकार नहीं है। बिहार की जनता इनमें विश्वास करती है। माननीय नेता, संसदीय कार्य विभाग। महोदय आप सुनिए, आप सब पे कहे के लिए बिना मतलब का हल्ला कर रहे हैं। हम तो आपको बता देते हैं, हम आप लोगों का देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि छह साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में, लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर दो, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला दो, और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की की तो उसमें प्रजनन दर 1.6। इसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कल हम बोले और उसके लिए हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं? इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है? अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है
मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापिस करता हूं, और मैं उस शब्द को वापिस करता हूं, और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए जो राज्य के हित में काम हुआ है, महोदय हित में इतना बड़ा काम हुआ है, महोदय कोई कल ही कर दिया गया आपकी बराबर, और सारे कानून आ रहे हैं महोदय, और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी, आपके बड़प्पन है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है, ये लोग निंदनीय हो गए, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब क्या बोल रहे हो, हमारे कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं, आप स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए, जो आदमी जो माननीय सदस्य टेबल और कुर्सी निकालता है उसका नाम नोट कीजिए, नियमानुसार मैं उन्हें सदन से बाहर करूंगा, अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है, आप लोग जनता के काम नहीं करना चाहते हैं, यही मैसेज जा रहा है।